ये टोटल ड्राफ्टेड चीज है यहाँ पे। ये वकील अगर आप उनको देंगे तो ड्राफ्ट करने का भी कुछ अपना चार्जेस लेंगे, तो ये पैसा भी आपका यहाँ पे बच जाएगा। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हम बात करेंगे रेंट एग्रीमेंट के बारे में। रेंट एग्रीमेंट कैसे बनाते हैं, क्या क्या वहाँ पे लिखना होता है, क्या नहीं लिखना होता है, कैसे ड्राफ्ट करते हैं, और यहाँ पे बिना किसी के मदद के सिर्फ नोटरी कराने से यहाँ पे 200 रुपये से कम खर्च में कैसे आप यहाँ पे 11 मंथ का रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं। 11 मंथ से अगर ऊपर का भी आप बनाते हो तो वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ और क्या क्या फीस लगती है, तो दोनों चीज़ों को मैं कंपेयर करूँगा। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और अगर 11 मंथ का आप यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है, सारे डिटेल मैं बताऊँगा। तो वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहे, सारे कुछ मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। आप यहाँ पे एक अच्छा रेंट एग्रीमेंट खुद से आप बना सकते हैं ड्राफ्ट करके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर आप 11 मंथ से अगर ऊपर का रेंट एग्रीमेंट अगर बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक लॉ है, यहाँ पे अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पे आपको रेंट एग्रीमेंट का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे तो स्टैम्प ड्यूटी लगाना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है जो कि 1000 होता है। तो मान के चलते हैं हर स्टेट का एक अलग होता है, तो यहाँ पे मान के चलते हैं दिल्ली स्टेट का, तो दिल्ली स्टेट में यहाँ पे अगर आप 5 साल तक के, 1 साल से 5 साल तक अगर आप करवाते हो रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे 2% आपका यहाँ पे चार्ज लगता है। कितना का, जो 12 मंथ का जो भी एवरेज जो भी रेंट होगा उसका 2% आपका यहाँ पे लगेगा। उसके बाद 5 से 10 साल में 3%, 10 से 20 साल में यहाँ पे 6% आपका यहाँ पे अलग से देना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे 1000 रुपये आपका ड्यूटी लगेगा। तो मान के चलते हैं कि आप यहाँ पे 3 साल तक के लिए आप रेंट एग्रीमेंट को रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा। सबसे पहले मान के चलते हैं आपका 18000 पहले साल में आप एवरी मंथ दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद 10% मान के चलते हैं कि उसमें इंक्रीमेंट किया, उसके बाद दूसरा साल में आपने 20000 दिया, तीसरा साल में 22000 दिया। तो अगर इसका एवरेज निकाले तो आपने पूरे 3 साल में कितना एवरेज दिया, 20000 सालाना आपने दिया। तो 20000 को हम यहाँ पे गुना करते हैं 12 से, तो 12 महीने में मतलब 1 साल में आप यहाँ पे कितना रेंट एग्रीमेंट दोगे, 2,40,000 रुपये। तो देखिए 2,40,000 जो 1 साल में जो आपने पे करोगे उसका 2%, तो 2% यहाँ पे देखिए क्या निकलता है, 4,800 रुपये। तो 4,800 रुपये तो ये आपका स्टैम्प ड्यूटी का चार्जेस होगा, प्लस यहाँ पे 1000 रुपये एक्स्ट्रा आपका लग जाएगा जो कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस है 1000 रुपये। तो यहाँ पे 5,800 तो ऐसे हो गया। उसके बाद अगर आप कोई वकील को पकड़ते हो तो वो भी अपना कुछ चार्जेस लेगा, जैसे कि 1000 2000 कुछ भी लेगा। तो ले देखिए अगर हम बात करें तो आपका 7-8 हज़ार रुपये ऐसे खर्च आएगा अगर आप 12 मंथ से ऊपर की बनाते हो। तो देखिए इंडियन जुगाड़ यहाँ पे एक निकला हुआ है जिसे हम कहते हैं 11 मंथ का रेंट एग्रीमेंट, मतलब कि 12 मंथ से कम, 1 साल से कम। तो अगर आप 1 साल से अगर आप कम करवाते हो तो देखिए सारा कॉस्ट आपका बच जाएगा और मात्र 200 रुपये में आप रेंट एग्रीमेंट बना दोगे। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको एक ड्राफ्ट करना पड़ेगा, एक जैसे कि कोई भी आप, एक तो सबसे पहले तो स्टैम्प पेपर आप ले ले। अब स्टैम्प पेपर आप कौन सा लेंगे, यहाँ पे देखिए 100 रुपये का आप स्टैम्प पेपर आपको सबसे पहले तो लेना होगा। तो देखिए स्टैम्प पेपर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई करेंगे ये भी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो आप कहीं से भी जाके आप स्टैम्प पेपर खरीदे, तो स्टैम्प पेपर आपको 100 रुपये का खरीदना है, क्योंकि कोई भी जनरल एग्रीमेंट अगर बनता है तो उसमें मिनिमम 100 रुपये का स्टैम्प पेपर होना चाहिए। तो यहाँ पर 100 रुपये का तो सबसे पहले आपको स्टैम्प पेपर खरीदना है, उसके बाद वहाँ पर आपको लिखना है। तो देखिए मैंने लिंक में भी इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, और जो जो चीज़ है आप यहां पे देख सकते हो कहां पे क्या लिखना है। तो दोस्तों यहां पे आप यहां पे देख सकते हैं ये सारा फॉर्मेट, मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और नीचे में देख भी सकते हो सारा कुछ यहाँ पे डिटेल, आप वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट यहाँ पे कर सकते हो। देखिए ये पूरा फॉर्मेट है, यहाँ पे ऊपर में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो एग्रीमेंट है वो। उसके बाद देखिए नीचे में दो विटनेस का नाम होना चाहिए, और यहाँ पे देखिए लेसर और लेसी, फिर उसका नाम और सिग्नेचर, उसका नाम और सिग्नेचर, और दो विटनेस का यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस आपको वहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बोल्ड करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो जो जहाँ जहाँ बोल्ड है यहाँ पर बस वो चीज़ आपको चेंज करना है,
जहां जहां बोल्ड दिया गया है। यहाँ पे देखिए नीचे में कुछ टर्म एंड कंडीशन है, पांच टर्म कंडीशन है। आप चाहे तो इसे चेंज करके, आप चेंज करके नहीं, आप चाहे तो और भी टर्म कंडीशन यहाँ पे बढ़ा सकते हो, यहाँ पे ये रेंट एग्रीमेंट का। तो देखिए ओके यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए मैं एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में जो डिटेल्स होंगे लेजर को होगा, जो भी मकान मालिक होगा, उसके बाद नीचे में देखिए यहाँ पे जो एग्रीमेंट होगा, मतलब कि नीचे में जो डिटेल है इसका नीचे एंड के बाद में यहाँ पे किराएदार का होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया, ऑनर का नाम यहाँ पे लिखना होगा बोल्ड वाले जगह पे, ऑनर का यहाँ पे एड्रेस लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कुछ टोटल रूम लिखा है, तो आप उनसे कौन कौन कितना रूम ले रहे हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे डाल दें, स्क्वायर फीट में कितना आ रहा है वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। स्टार्टिंग डेट आप रेंट का डाल सकते हैं, जैसे कब से स्टार्ट हो रहा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग और इन डेट डाल सकते हैं, जैसे कि ये 11 मंथ का मैं बताया हूँ, तो यहाँ पे जैसे जनवरी में है तो यहाँ पे आप उस हिसाब से मान के चलिए कि नवंबर में यहाँ पे उसका डेट यहाँ पे डाल देना है। 11 मंथ का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको जैसे मैंने बता दिया है कि यहाँ पे बहुत सारा चार्जेस आपको लगाना पड़ सकता है, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस और उसके साथ में रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो यहाँ पे ये जुगाड़ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेंट का कितना आप वहाँ पे दे रहे हो, यहाँ पे प्राइस रहेगा। उसके अलावा बहुत सारे चीज़ यहाँ पे आप और भी डाल सकते हो। कराने के बाद इसको आपको लेके जाना पड़ेगा नोटरी वकील के पास में, नोटरी वकील से यहाँ पे वो यहाँ पे सिग्नेचर कर देगा अपना, वहाँ पे स्टैम्प कर देगा, इसको सत्यापित कर देगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी मैंने बताया विटनेस का नाम सारा कुछ यहाँ पे देने के बाद, यहाँ पे एक आधार कार्ड का कॉपी यहाँ पे साथ में अटैच कर ले। ये करने के बाद आपका नोटरी हो जाएगा, फिर फाइनल आपका जो भी है आपका रेंट एग्रीमेंट यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा 11 मंथ का, बिना किसी परेशानी के आपका 200 रुपये में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे याद रखे 100 रुपये का यहाँ पे स्टैम्प पेपर ले, क्योंकि ये जनरल एग्रीमेंट है, तो जनरल एग्रीमेंट 100 से नीचे का ना ही करे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये फॉर्मेट है, आप नीचे से डाउनलोड करें और वहाँ पे आप बना सकते हैं। टोटल ड्राफ्टेड चीज़ है यहाँ पे, ये वकील अगर आप उनको देंगे तो ड्राफ्ट करने का भी कुछ अपना चार्जेस लेंगे, तो ये पैसा भी आपका यहाँ पे बच जाएगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से आपको यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट 11 मंथ का बनाना है। और मैंने ये भी आपको बताया कि किस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत अगर आप कोई भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या बातों का ध्यान देना चाहिए, और इसके अलावा क्या कितना पैसा आपको वहाँ पे चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत ही कम खर्च में आप ये कर सकते हो, जैसे कि अगर सपोज दैट आप 2 साल के कर रहे हो तो 11 11 मंथ में आप रिन्यू कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।